जबलपुर शहर के रांची क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा गाड़ी जाकर कचरा इकट्ठा करने की बात तो दूर, यहां तो स्कूल कॉलेज और कॉलोनियों के इर्द गिर्द ही कचरे का ढेर का अंबार लगा हुआ है। स्कूल के पास जमा गंदगी से स्कूल के बच्चे इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं कि उन्हें स्कूल आने जाने के कारण संक्रामक रोगों का शिकार होना पड़ रहा है। स्कूल के मुख्य द्वार के सामने ही कचरे का ढेर लगा है, जिससे स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन स्कूल के बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, इससे उनकी स्कूल आने में अनियमितता होती जा रही है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग शासकीय कन्या माध्यमिक में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ का मेन गेट है उसी के सामने ना यहाँ पर कचरा पलटा दिया जाता है, जिससे ना हमारे स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको आने में भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती है इससे, और हमें ना इससे एबसेंट भी रहना पड़ता है स्कूल में, जिससे हमारी पढ़ाई का भी नुकसान होता है और हमारे यहाँ की जो छात्राएँ हैं वो निकल जाती हैं कि स्कूल। वहीं आसपास के आम जनों का कहना है कि रांची क्षेत्र के इस इलाके में लाखों की आबादी है, लेकिन नगर निगम इस तरह के अत्याचार कर रही है जिससे यहां के आम जन पूर्ण रूप से ग्रसित हैं। इसलिए यहां के व्यापारियों, आम जन और ऑटो चालक संघ ने प्रशासन से कचरा हटवाने की मांग की है। नगरी क्षेत्र रांची में जहाँ की लाखों की आबादी रह रही है, वहाँ पे रांची बीकल मोड़ पर जहाँ बच्चों का आना जाना भी रहता है और लाखों की आबादी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा नगर निगम का अत्याचार चालू हो गया है कि वो मेन रोड पे कचरा फेंक रहे हैं और इतना कचरा हो गया है कि बच्चों को बीमारी फैल रही है, ऑटो वालों का आना जाना दूभर हो गया है। ये सब बातों को लेकर के आज ऑटो चालक संघ के लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, आम जनता ने यहाँ पे ये कचरा हटाने की मांग की है। कुछ दिनों पूर्व रांची थाना प्रभारी के नाम पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, अब वे ही इस गंभीर समस्या को पूर्ण रूप से अनदेखा कर रही हैं। अध्यक्ष रोज यहां से आवागमन करती हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या के निराकरण के लिए उनके पास समय नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में कई स्कूल कॉलेज और वाटर फिल्टर प्लांट भी स्थित है, जिससे पूरे शहर को पानी पिलाया जाता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करके बीच शहर में बिल्कुल गंदगी का आलम कर दिया है। यहाँ पर लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। इधर बाजू में बॉयज स्कूल है, पीछे गर्ल्स स्कूल है और बाजू में वाटर फिल्टर प्लांट है जहाँ पूरे शहर को पानी पिलाया जा रहा है। उसके बाजू में इतना गंदा कचरा, जहाँ पर लोगों को दुकानदारों का दुकान खोलना मुश्किल हो गया है, राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन का इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है और डेली लाकर कचरा यहाँ पर लोगों के व्यापारियों के द्वारा मना करने पर भी नहीं मानते हैं और कचरा यहीं पर डला है, जिसके कारण सुअर जानवर यहां पर आते हैं, रोड में आते हैं और कई एक्सीडेंट्स यहां पर हो रहे हैं और दुर्घटनाएं यहां पर घट रही हैं। जबलपुर से कुणाल सिंह की रिपोर्ट।